हेलो दोस्तों, मैं नाम कुसुम, आप देख रहे हैं स्टार। दोस्तों, अब करण जौहर का भी नंबर लग गया है दीपिका पादुकोण के बाद, और करण जौहर के दो खास आदमी, करण जौहर की कंपनी में बहुत ही उच्ची पोस्ट के आदमी एनसीबी ने उठा लिया है, और दोनों से अभी पूछा चल रही है, जिसमें से एक का नाम बताया जा रहा है श्री तेज प्रसाद और दूसरे का नाम बताया जा रहा है अनुभव चोपड़ा। अनुभव चोपड़ा और श्री तेज प्रसाद को, दोनों को एनसीबी ने पकड़ लिया है और दोनों से पूछताछ हो रही है, और दोनों ने बहुत बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के नाम लिए हैं कि ये लोग ड्रग्स लेते हैं। और जो अनुभव चोपड़ा हैं, उनको उनके घर से तो ड्रग्स भी बरामद हुई है एनसीबी को, ये भी बताया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि करण जौहर जो है, वो बताया जा रहा है कि इस वक्त गोवा में है अपने एक फार्म हाउस में अपनी फैमिली के साथ, और दीपिका पादुकोण जो गोवा में काम कर रही थी, वो करण जौहर की ही फिल्म के लिए काम कर रही थी, शूटिंग कर रही थी, लेकिन दीपिका पादुकोण को कल एनसीबी ने बुला लिया वापस, लेकिन करण जौहर अभी तक गोवा से वापस नहीं आए हैं, वो अपने फार्म हाउस में छुप के बैठे हैं। और जो करण जौहर हर बात पे उल्टे सीधे ट्वीट करते थे, जो उल्टे सीधे ड्रामे करते रहते हैं हर बात पे, वो अब बिल्कुल चुप है, क्योंकि उनको पता है कि मेरा नाम आ चुका है, अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। इसलिए वो अपने जो गोवा वाला जो फार्म हाउस है इनका, उसके अंदर ये छुप के बैठे हैं, और उसी फार्म हाउस के आसपास दीपिका पादुकोण की अपकमिंग फिल्म की शूटिंग भी हो रही थी, जो कि करण जौहर ही प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन इन दिनों बताया जा रहा है कि 2 दिन से उस फिल्म की शूटिंग रुकी हुई थी, और कल तो दीपिका पादुकोण वापस आ गई हैं, लेकिन करण जौहर वापस नहीं आए हैं, और वो अपनी फैमिली के साथ गोवा में ही हैं। और एनसीबी बहुत जल्दी करण जौहर को पूछताछ के लिए बुलाएगी, क्योंकि करण जौहर के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दो खास आदमी दोनों पकड़े जा चुके हैं, और दोनों का ड्रग्स केस में नाम आ रहा है, और दोनों ही बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के नाम बता रहे हैं एनसीबी को। और अब तो करण जौहर, जो कि उन दोनों के बॉस हैं, उनको भी पकड़ा जाएगा, और करण जौहर से भी सारा सच उगलवाया जाएगा। और अब देखते हैं करण जौहर कब कब तक गोवा से वापस आते हैं, कब एनसीबी उनको नोटिस देती है पूछताछ के लिए। तो अब करण जौहर की कंपनी पर लगने वाला है ताला, और करण जौहर जो अपने ड्रामे करते हैं हर बार, कभी कुछ ड्रामा करता है, कभी कुछ करता है, वो सब बंद हो जाएंगे अब इसके, और अभी ये कुछ नहीं कर पाएगा। और क्या इतना मुझे खेड़ देंगे वो उतना वीडियो।